गुड मॉर्निंग बच्चों मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा पांच की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का अठारवा अध्याय जिसका नाम है तरह तरह के घर प्यारे बच्चों इस पाठ के पिछले भागों में हमने यह समझ बनाई थी कि घरों के कौन कौन से प्रकार हैं साथ ही साथ हमने यह भी जाना था कि स्थान विशेष पर पाई जाने वाली जो सामग्री है उसके आधार पर भी घरों के निर्माण में हम विभिन्नता को देख सकते हैं जैसे अगर किसी स्थान पर पत्थर अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाता है आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो वहां पर बनने वाले मकानों की दीवारें और छतों का निर्माण पत्थर के द्वारा किया जाता है और वैसे ही हमने यह भी समझा था कि जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में बनने वाले मकानों में वृक्षों की अधिकता होने के कारण जंगल में और पहाड़ी क्षेत्रों में जो वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं इसके कारण उन मकानों में हमें यह देखने को मिलता है कि इनमें लकड़ी का प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है बच्चों साथ ही साथ हमने पिछले भाग यानी भाग तीन में यह समझ बनाई थी कि जो मकान है वो कई सारे प्रकार के होते हैं जैसे हमने जाना था बहुमंजिला इमारतों के बारे में और हमने समझ बनाई थी हाउसिंग बोर्ड के मकानों के बारे में तो चलो बच्चों पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं रैन बसेरा के बारे में कि ये रैन बसेरा होता क्या है इसके अंदर कौन कौन से व्यक्ति रहते हैं इसकी सुविधा उपलब्ध किन के द्वारा करवाई जाती है इस रहन बसेरे को हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं और इसमें रहने वाले व्यक्तियों को कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं इन सब के बारे में आज की इस कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं तो चलो बच्चों अब जानकारी प्राप्त करते हैं रहन बसेरा के बारे में तो देखो बच्चों सबसे पहले हम एक चर्चा करते हैं एक आसान से प्रश्न पर और हमारा प्रश्न है घर हमारी मूलभूत आवश्यकता है बिल्कुल सही बात है 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 हमारे लिए घर कितना उपयोगी यह हमें सर्दी गर्मी बरसात के प्रभाव से बचाता है। हमारी रक्षा करता है हमें सुरक्षा प्रदान करता है इसीलिए कहा गया है कि घर हमारी मूलभूत आवश्यकता है और इसे हमारी तीन मूलभूत आवश्यकताओं में भी रखा गया है रोटी कपड़ा और मकान उनमें मकान यानी घर को भी रखा गया है तो देखो बच्चों साथ ही साथ हमसे पूछा है कि जिसके पास खुद का घर नहीं होता वे क्या करते हैं यानी ये मूलभूत आवश्यकता तो है परंतु अगर किसी व्यक्ति के पास अपना खुद का घर नहीं है तो वो क्या करते हैं उनके रहने की क्या स्थिति होगी तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चों कि जिसके पास खुद का घर नहीं होता वह व्यक्ति या तो किराए के मकान पे रहता है किराए से मकान लेकर के रहेगा या फिर वो उपयोग में लेता है इन्हीं रैन बसेरों का अब ये रैन बसेरे होते क्या हैं इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं तो देखो बच्चों अब जानेंगे हम सामूहिक घर यानी कि रैन बसेरा को देखो बच्चों सरकार बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था करती है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक रैन बसेरे की इमेज बच्चों यहाँ पर हम ये पता कर पा रहे हैं कि इसके अंदर कितने सारे बिस्तर लगे हुए हैं यानी हम ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर एक सामूहिक घर की इमेज को हम देख रहे हैं जिसमें कई सारे लोग निवास करेंगे और इसकी व्यवस्था कौन करती है सरकार यानी सरकार बेघर लोगों के लिए रेन बसेरे की व्यवस्था करती है साथ ही साथ देखो बच्चों इन रेन बसेरों में उन्हें जरूरी सुविधाएं जैसे पीने का साफ पानी पहनने के कपड़े ओढ़ने बिछाने के कपड़े सामान रखने के लिए अलमारी शौचालय प्राथमिक उपचार मनोरंजन के साधन जैसे टेलीविजन आदि सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध होती है यानी हम समझ पा रहे हैं कि सरकार ये पूरा प्रयास करती है कि इन लोगों को हर मूलभूत जो सुविधा है वो इन रेन बसेरों में उपलब्ध हो सके साथ ही साथ देखो बच्चों बेघर लोगों के लिए बनाए गए इन रेन बसेरों को पूरे वर्ष चौबीसों घंटे खुला रखा जाता है यानी ऐसा नहीं कि इसका कोई निर्धारित समय होता है ये चौबीस घंटे खुले रहते हैं जो आवश्यकता वाले व्यक्ति हैं वो कभी भी जाकर के इनमें जो प्रक्रिया है उसको पूरा करके रह सकते हैं तो देखा बच्चों आपने रैन बसेरों के बारे में हमने बेसिक जानकारी प्राप्त की साथ ही साथ देखो बच्चों रेन बसेरे सार्वजनिक स्थानों जैसे बस अड्डे रेलवे स्टेशन आदि के पास बनाए जाते हैं यानी व्यक्ति चाहे तो अस्थायी रूप से भी इनमें रह सकता है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक रेन बसेरे की इमेज जिसमें कितने सारे व्यक्ति सामूहिक रूप से रह रहे हैं तो बच्चों हमने समझ बनाई सामूहिक घर यानी कि रैन बसेरे के बारे में तो अब समय है कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने का पता कीजिए और लिखिए में देखो बच्चों हमसे पूछा है कि आपके आसपास कहीं रैन बसेरा हो तो पता करो कि क्या लोग उसका उपयोग कर रहे हैं तो देखो बच्चों जब मैंने इसके बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि हमारे पास जो बस अड्डा है यानी बस स्टैंड है वहाँ पर एक रैन बसेरा बनाया गया है और उसका उपयोग तो तो लोग कर रहे हैं तो ऐसे ही आप भी पता करेंगे कि आपके आसपास अगर कोई रेन बसेरा है तो आप लिखेंगे हाँ हमारे आसपास पास इस स्थान पर रेन बसेरा है और क्या उसका उपयोग लोग कर रहे हैं तो आप बताएंगे कि हाँ उसका लोग उपयोग कर रहे हैं या फिर आप बताएंगे कि नहीं उसका लोग उपयोग नहीं कर रहे तो हमें पता करना है और इस प्रश्न का उत्तर देना है तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं यानी जब आपने उस रेन बसेरे को देखा तो आप ये भी बताइए कि उस रेन बसेरे के अंदर आपने क्या क्या सुविधाएं देखी तो देखो बच्चों जब मैंने वहाँ पता किया तो मुझे पता चला वहाँ पीने का साफ पानी है व्यक्तियों के लिए पहनने के कपड़े हैं ओढ़ने बिछाने के कपड़े हैं सामान रखने के लिए उन्हें अलमारी दी गई है उनके लिए प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई है शौचालय है मनोरंजन के साधन जैसे टेलीविजन आदि की व्यवस्था भी वहाँ पर की गई है तो मैंने पता किया कि वहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएँ हैं ऐसे आप भी देख करके पता करेंगे कि आपके आसपास में जो रैन बसेरा है उसमें कौन कौन सी सुविधाएँ है, उपलब्ध हैं तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न है आपके क्षेत्र में कौन कौन सी जगह या भवन है जिसका उपयोग सभी करते हैं यानी बच्चों हमसे इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि आपके क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं या ऐसे कौन कौन से भवन हैं जिनका उपयोग सभी लोग करते हैं यानी सामूहिक रूप से लोग उनका उपयोग कर सकते हैं तो देखो बच्चों हमारे क्षेत्र में मैंने पता किया कि हमारे क्षेत्र में जो बस अड्डा है रेलवे स्टेशन है और बड़े मंदिरों के पास ऐसे भवन बने गए हैं या ऐसे भवन बनाए हुए हैं जिनका उपयोग सभी करते हैं इसके अतिरिक्त बच्चों मैंने यह भी पता किया कि बस अड्डा रेलवे स्टेशन पार्क आदि सार्वजनिक स्थलों को भी उपयोग लोग कर सकते हैं यानी बच्चों सरल शब्दों में मैं यह कह सकता हूँ कि जो हमारे आसपास के सार्वजनिक स्थल हैं उनका प्रयोग सभी लोग कर रहे हैं साथ ही साथ जो धर्मशालाएं रैन बसेरा जैसी चीज़ें बनाई गई हैं उनका उपयोग भी हमारे आसपास के सभी लोग करते हैं तो देखो बच्चों आपने कितनी आसानी से मैंने पता किया और इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है ऐसे ही आप ये अपने आसपास की स्थिति का पता करेंगे और इन आसान से प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे तो प्यारे बच्चों आज की इस कक्षा में हमने समझ बनाई सामूहिक घर यानी रैन बसेरे के बारे में उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई यानी हमने यह जाना कि यह सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है और सरकार का यह कोशिश रहती है सरकार का यह प्रयास रहता है कि सभी व्यक्तियों को जो इसमें रहने वाले हैं उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों